हाय बच्चों, उम्मीद है आप सारे अपने अपने घरों में ठीक होंगे। जिस तरह से ये जो COVID-19 कोरोना वायरस है बच्चों, ये किसी का भी लिहाज नहीं करता है, इसलिए इससे छुटकारा पाने का बच्चों हमने खुद ही इलाज करना है अपना। इलाज क्या है? पहला तो हमें अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, और दूसरा किसी भी दूसरे इंसान के साथ कभी हाथ नहीं मिलाना है, उसके बिल्कुल पास में ना तो खड़ा होकर बातें करनी है और ना ही बैठना है, ना ही किसी का जूठा खाना खाना है। अपने नेल्स बिल्कुल काट के रखने हैं बच्चों। बेशक मैं लड़कों के लिए इतना जरूर कहूंगा कि आज नाइयों की दुकानें बंद हैं, ये सच है, लेकिन बच्चों बाल भी साफ सुथरे रखने, बेशक जितने बड़े मर्जी हो जाएं, लेकिन बालों को अच्छी तरह से धोएं, इनको सुखाएं और फिर इनको तेल की मालिश जरूर करें। अब मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि आप सब मेरे प्यारे बच्चे हैं। मुझे पता है कि आप घर में बैठे हैं, आपके मन में ये हो कि हमारी पढ़ाई जो है वो बर्बाद हो रही है, हमारी क्लास कब लगेगी। इसके लिए आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं बच्चों शुरू कर दी। जिन जिन बच्चों के व्हाट्सएप नंबर हमारे पास हैं, उन उन बच्चों को हमने रोज का असाइनमेंट जो है, क्लास वर्क जो है, या वर्कशीट के लिए जो होमवर्क है वो हमने देना शुरू कर दिया है। तो जिन बच्चों का अभी हमारे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो प्लीज वो बच्चे हमें अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो कन्फर्म करें, ताकि वो बच्चे घर बैठे ही पढ़ाई कर सकें। आप बच्चे जो 8th में हैं, वो उनकी 9th की क्लास लग चुकी है ऑनलाइन क्लास, जो 10th में हैं उनकी 11th की क्लास ऑनलाइन लग चुकी है, जो बच्चे 11th में हैं उनकी 12th की क्लास, जैसा कि JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आपको मास प्रमोशन दिया गया और आपको उसमें 12वीं में आपको एडमिशन दे दी गई है, आपकी भी ऑनलाइन क्लास जो है बच्चों चल रही है। कुल मिला के हमारा नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक सभी क्लासेस की ऑनलाइन जो है वो पढ़ाई हो रही है। अगर कोई बच्चा इससे वंचित रह रहा है, तो वो स्कूल के अपने मोबाइल नंबर पे फोन करे, आप हमसे मोबाइल पे बात कर सकते हैं बच्चों। आपको पढ़ाई के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और भी कोई बच्चा जो है जिसने इस स्कूल में एडमिशन लेना था, तो अब ये सोच रहा होगा कि हम स्कूल में एडमिशन कैसे लें, तो वो भी ना घबराए। क्यों? क्योंकि आप बच्चे भी इस स्कूल की जो वेबसाइट है MRLDSCH@gmail.com पे ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों मेरी तरफ से जो आपको कुछ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, इनका आपने बच्चों जरूर पालन करना है, और घर में रहना है, घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। हो सकता है कि आपके स्कूल जो हैं, आपकी क्लास जो है वो लेट हो जाए, आपके स्कूल लेट खुले, कोई बात नहीं, हम आपके जो एग्जाम हैं, जो टेस्ट हैं, वो भी बच्चों घर बैठे ही ले लेंगे। आप बिल्कुल ना घबराएं, हम आपके पेपर भी घर बैठे ले लेंगे और आपके होमवर्क भी घर बैठे ही हम चेक कर लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। महंत राम लखन दास मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो अपने किसी भी बच्चे को पढ़ाई की तरफ से दिक्कत नहीं आने देगा। ये बच्चों मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे स्टाफ की तरफ से आपको वादा करता हूं
कि आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप सारे बच्चे जो हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है उसके साथ एंगेज रहो, उसके साथ टच रहो, और अपना जो होमवर्क है, जो आपको असाइनमेंट जो है मिल रही है आपको रोज की रोज, वो आप जरूर पढ़ो और उसको स्टडी करो, ताकि जिस दिन से हम आपके ऑनलाइन टेस्ट लेना शुरू करें तो आप उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड हो। गुड बाय बच्चों, दो चीजों का ध्यान रखना है, पहला हाथ धोना, साफ सुथरा रहना, और दूसरा ना किसी से गले मिलना और ना किसी के पास बैठ के बात करना, ना किसी की तरफ मुंह करके बात करना। अगर कोई अजनबी आया आपके गांव में, कोई भी अजनबी जिसको आपने आज पहली बार देखा, तो आप अपने पंच को, अपने सरपंच को जरूर इन्फॉर्म करें कि ये बंदा हमारे गांव का नहीं है, ये हमारे गांव में आज पहली बार हमने इसको देखा है। बच्चों, उससे आप अपनी और अपने पूरे गांव की जो है बचाव कर सकते हैं, देखरेख कर सकते हैं। तो बच्चों, ये देश आपका, आप देश का गर्व हैं, आप आने वाला भविष्य हैं, इसलिए हम आपको पढ़ाई में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। गुड बाय बच्चों।